इसके बाद प्रकाश कुमार वर्मा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं आप। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर राजीव प्रसाद जी से डीडीसी पटना की, वो जो बच्चे में पुरस्कार और है उसका वितरण करें। अनुपम दास पुरस्कार लेने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रकाश कुमार वर्मा मुजफ्फरपुर के आप हैं। 11वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आपने कांस्य पदक जीता, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, अनुशंसित राशि ₹3,000। प्रकाश कुमार वर्मा मोहम्मद शाहनवाज डीडीसी पटना द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मोहम्मद शाहनवाज पटना के खिलाड़ी, तीसरा सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि बेंगलोर में आयोजित हुई थी 10 से 13 अगस्त 2008 तक, में कांस्य पदक जीता था, तीसरा स्थान प्राप्त किया। मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद शाहनवाज उसके बाद मोहम्मद मिनहाज अहमद हाजीपुर के आप रहने वाले हैं। मोहम्मद मिनहाज अहमद हाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरा सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता बंगलोर में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में आपने कांस्य पदक जीता, तृतीय स्थान प्राप्त किया, ₹1,500 पुरस्कार स्वरूप आपको दी जा रही है। मोहम्मद मिनहाज अहमद। इसके बाद प्रीति कुमार पटना की खिलाड़ी, दो खिलाड़ी अनुपस्थित है, कविता कुमारी और संजय कुमार। और प्रीति कुमारी कविता आ गई है, तो कविता कुमारी पटना की है। तीसरा सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता बंगलोर में आयोजित की गई थी, जिसमें आपने स्वर्ण पदक आपने जीता। हमारे कुछ खिलाड़ी जो पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिस कारण उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया। हमारे जो पीछे अधिकारीगण जो मोमेंटो और सर्टिफिकेट सही ढंग से पहुंचा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे कुछ एब्सेंटीज अभी प्रेजेंट हो चुके हैं। बबीता कुमारी पटना की हैं आप, स्वर्ण पदक आपने जीता है तीसरा सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, 3,000 की राशि आपको दी जा रही है। और संजय कुमार जो पटना के हैं वो अनुपस्थित हैं। इसके बाद पिंकी कुमारी पटना की रहने वाली हैं, 11वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आपने स्वर्ण पदक जीता। पिंकी कुमारी ₹7,000 अनुशंसित राशि आपको दी जा रही है। पिंकी कुमारी। और इसके बाद पटना की हैं खुशबू कुमारी, तीसरी सब जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक। संजय कुमार उपस्थित हो चुके हैं, अपना पुरस्कार ले रहे हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है 11वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, अनुशंसित राशि ₹5,000। संजय कुमार गृह जिला पटना। और इसके बाद पिंकी कुमारी अपना पुरस्कार लेंगी, पटना की रहने वाली हैं। आपने स्वर्ण पदक जीता है 11वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, पुरस्कार राशि ₹7,000। राधा कुमारी पटना की खिलाड़ी, खुशबू कुमारी जिला पटना, तीसरा सब जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो बेंगलोर में आयोजित की गई थी, जिसमें आपने कांस्य पदक जीता। खुशबू अगर आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। मोहम्मद बेराज आलम सहरसा के खिलाड़ी, 11वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरालंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि जयपुर में आयोजित हुई थी, स्वर्ण पदक जीता। खुशबू किसी कारण से अनुपस्थित थे, उनकी बहन ये पुरस्कार ले रही हैं। खुशबू के बाद बेराज आलम आएंगे। मोहम्मद बेराज आलम सहरसा के रहने वाले हैं। इसके बाद राधा कुमारी पटना की रहने वाली हैं। राधा के बाद पिंटू, आप भी पटना के ही हैं और छठी जूनियर पैरालंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आपने स्वर्ण पदक जीता था। राधा कुमारी ने भी स्वर्ण पदक जीता है और इन्हें राधा कुमारी और